गैरसैंण में कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तैयारी पूरी है। विपक्ष की तैयारी आर पार की लड़ाई की है, जहां गैरसैंण में भीतर से बाहर तक किस तरीके से मुद्दे उठाए जाएं इसकी तैयारी है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तैयारी है कि विपक्ष के हर तीखे सवालों का जवाब दिया जाए, भूतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए गैरसैंण पहुंच चुके हैं। गैरसैंण में कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। भराड़ी सैण विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के पहुंचने की खबर है। रितु खंडूड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया है, सत्र का जो खाका है, जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है। तो गैरसैंण में सत्र को लेकर के पहले से तैयारी, रितु खंडूड़ी विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। तो आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भराड़ी सैण विधान भवन में हवन यज्ञ किया, तो वही विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूड़ी का भराड़ी सैण में यह पहला सत्र है। रितु खंडूड़ी ने देर रात भराड़ी सैण विधानसभा पहुंच करके विधानसभा परिसर सहित विधायकों अधिकारियों को आवंटित आवासीय कक्षों का भी निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी गैरसैंण पहुंच चुकी हैं। यहां सत्र की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने और विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की है। बीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा। हम कल पहुंचे सड़क मार्ग से, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी? सारी व्यवस्थाएं देखी, सड़क की क्या स्थिति है उसको देखा, उसके बाद कमरों का निरीक्षण किया, मंत्रियों का, सीएम साहब का, गवर्नर साहब का, अफसरों का, कि किस तरह की व्यवस्था है, ठीक ठाक है कि नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे पहले बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया, फिर सत्र भी सदन में गई थी, वहाँ हमने कुछ एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो आवाज़ वहाँ बहुत ज़्यादा गूंजती थी उसको कुछ हम कम करें, तो उसको भी कल टेस्ट करने गई थी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे लगा है। उसके अलावा खान पान किस तरह से रहेगा उस पर भी एक छोटी सी मैंने यहाँ बैठक ली कि किस तरह से खाना होगा। फिर डीएम और एसपी और सीडीओ भी आए थे और उनसे भी ये बात हुई है कि समूहों को हम किस तरह से अपने साथ इस सत्र में इस बार जोड़ सकते हैं, चमू ले के जितने भी समूह हैं। तो कल मेरा शाम का दिन यही कार्य दिनचर्या रहा। अभी क्या शेड्यूल है और क्या हमने सत्र के शेड्यूल तय किया गया, किस तरह से रहने वाला? कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, और कल आप सब जानते हैं कि गवर्नर साहब का अभिभाषण है, उसके बाद कार्य मंत्रणा में जो भी निर्णय होगा आगे उस पर फिर बताएंगे आपको। क्योंकि तमाम विधायक भी पहुंचने वाले हैं, तो एक मैसेज क्या है उनका, क्योंकि सत्र की कार्रवाई अगर बाधित होती है तो जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाते, क्या मैसेज आप उनको? देखिए, इस बार करीबन 599 सवाल आए हैं और सभी विधायकों ने अपनी बातों को क्वेश्चंस के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से सदन में लाए हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी विधायकों को कि गरिमापूर्ण तरीके से सौहार्द के माहौल में अपने प्रश्नों को रखें, अपने बातों को रखें, ताकि जो अपेक्षा उनके क्षेत्रवासी करते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले, अच्छी डिबेट वो लोग देखें, वो सदन में हो पाए। क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद आपका भी पहला सत्र भराड़ी सैण में, आपका भावनात्मक लगाव भी है, तो अभी कितना तैयार है आप और कैसा आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं हम लोग भराड़ी सैण पहुँचे हैं। इम्पोर्टेंट सत्र है, गवर्नर साहब का अभिभाषण है, बजट है, तो मुझे खुशी है कि हम लोग बजट सत्र इस बार हम गैरसैण में कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है जी। विधानसभा सचिवालय हमेशा से मजबूती से काम करता है और पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज राणा मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि कल के तैयारियों के मद्देनजर जो चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी परखी वो किस तरीके की दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से आपने आंका पंकज वहां पर व्यवस्थाओं को? बिल्कुल स्नेता, देखिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस की ब्रीफिंग हुई है। यहां पर सभी पुलिसकर्मियों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखें, क्योंकि सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो सुरक्षा होती है और सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के पास होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। ब्रीफिंग के दौरान जो आंदोलनकारी यहाँ आएंगे, राजनीतिक पार्टियाँ आंदोलन के लिए आएंगी, उनको नीचे ही यानी कि 2 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोका जाएगा और वहीं पर कोई ज्ञापन उनका होगा तो पुलिस के माध्यम से वो ज्ञापन जो जिम्मेदार अधिकारी
अधिकारी होंगे उनको भेजा जाएगा। अब देखिए विधानसभा भवन बराड़ीसैंण की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, पूरी तरह से साफ तरह से सुंदर तरीके से सजा दिया गया है, पेंटिंग वेंटिंग सभी चीज़ें व्यवस्थित कर दी गई हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब कोई राज्यपाल भराड़ीसैंण में रात्रि विश्राम करेंगे, कल उनका 11 बजे अभिभाषण होगा और अभी उनकी तैयारी चल रही है अभिभाषण को लेकर, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुँचने का भी यहाँ कार्यक्रम है और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी भाजपा की और उससे पहले कांग्रेस के भी विधानमंडल दल की बैठक होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं कि सरकार अपना एजेंडा लेके आ रही है अगले वित्तीय वर्ष का कि वो किस तरह से राज्य का खाका तैयार करने वाली है, क्या किस तरह का बजट होगा, क्या क्या चीज़ें बजट में खास रहेंगी। लेकिन विपक्ष भी अपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने वाला है, चाहे वो अंकिता भंडारी मामला हो, जोशीमठ का मामला हो, उसके अलावा कानून व्यवस्था का मामला हो, बेरोजगार लोगों पर लाठीचार्ज का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे इसने रहता विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं। तो वो सभी रणनीति 4 बजे कांग्रेस बनाएगी और 6 बजे कांग्रेस भाजपा के जो विधानमंडल की दल की बैठक होगी उसमें तैयारी की जाएगी कि मंत्रियों का होमवर्क कितना है, फीडबैक ले जाएगा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रियों से फीडबैक लेंगे कि उन्होंने सवालों के जवाब में किस तरह का होमवर्क किया है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार की तरफ से मंत्री अपना होमवर्क करके नहीं आते हैं तो सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, ये पूरा खाका तैयार कर लिया है। थोड़ी देर बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहले कार्य मंत्रालय की बैठक करेंगी, फिर सर्वदलीय बैठक करेंगी और उसमें कल का एजेंडा तय किया जाएगा कि किस तरह से कल चीज़ें रहने वाली हैं और सर्वदलीय बैठक में सबसे एक संभावित करके वो चीज़ें तय करेंगी कि सबको एक साथ रहकर भी सदन की कार्रवाई को संचालित करना है, तो ये तमाम चीज़ें आज रहने वाली हैं। फिलहाल अभी जो राज्यपाल गुरमीत सिंह है वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, कल के लिए जो उनका अभिभाषण है उनमें क्या क्या समावेश रहना है, किस तरह से राज्य ने जो प्रदेश की सरकार ने विकास किया है, क्या कुछ एजेंडा तय किया गया, वो सभी चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल पंकज, और ये देखना होगा कि सिर्फ स्थायी अस्थायी राजधानी पर चर्चा होती है, उससे शुरुआत होकर के चर्चा कितनी दूर तक जाती है। शुक्रिया पंकज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।